अकेले जाना जाइए। तो मैं कहाँ जाने के लिए तैयार थी, तुम बोले तब ना जा रहे, इतने के लिए बोली। तो देखिए बाढ़ का पानी इतना ज्यादा हो गया कि हम लोग का नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, यहाँ पे नाव चल रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, और आप सभी फ्रेंड को सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे फ्रेंड, मुझे आशा ना विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए सुबह सुबह अंकिता क्या कर रही है, हम आप सबको दिखाते हैं। तो चुपके से हम दिखा रहे, नहीं तो जान जाएंगी, तो फिर कैमरा के सामने नहीं आएंगी। तो आइए हम दिखाते हैं चुपके से सुबह सुबह क्या कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पे अंकिता है, ये देखिए आ रही हैं। तो देखिए सुबह सुबह कौन सा काम में लग गई हैं, और ये देखिए जलावन रखा हुआ है। तो ये पूरे साफ सफाई में लग गई हैं। देखिए सुबह सुबह जिनको कितना अच्छा ड्यूटी मिला है करने के लिए। देखिए पानी भी अभी मतलब बढ़ ही रहा है, घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। और देखिए कब से घट रहा है, अभी तो कोई ठीक ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जंगल लगा हुआ है, तो इस जंगल को भी साफ कर रही हैं। देखिए इनसे हम बाद में बात करेंगे, अभी तो चुपके से ही हम बना रहे हैं, और बाद में इनको हम बोलेंगे इनसे। देखिए कितना पानी है, और देखिए पापा इधर आए थे, तो अब इधर से फिर जा रहे हैं द्वार पे, द्वार के साइड। और वीर देखिए यहाँ पे गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है? गाड़ी गाड़ी में सबको बैठा के ले जा रहे हैं। ये कौन सा गेम है? गाड़ी वाला। गाड़ी वाला है। और फ्री फायर नहीं है? फ्री फायर भी है, दिखा दे। हाँ दिखाइए, देखे फ्री फायर। तो देखिए वीर अभी फ्री फायर गेम निकाल रहा है। हाँ यहाँ तो लिखा है। हाँ वाह, बेटा का तो सब पता है। तो देखिए अभी फ्री फायर निकाल लिया है खेलने के लिए, आता है ना खेलने? दिखा देंगे इसको, स्टार्ट होने में इसको डेढ़ वक्त है। अच्छा देखिए फिर हम सबको गेम दिखा देंगे। हाँ तो देखिए बीच देखे, और खेलने आता है। अच्छा हम पे क्लिक करो। अच्छा हमको तो नहीं समझ में आता है, लेकिन इस पर क्लिक करो। क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? हो जाएगा, प्रचार आया होगा कहीं। प्रचार नहीं है। ये दिखा रहे, देखिए क्लिक हो गया। हो गया, स्टार्ट लिख रहा है। अच्छा स्टार्ट लिख रहा है, देखिए यहाँ पे TAPA स्टार्ट। TAPA होता है स्टार्ट। नहीं स्टार्ट का मतलब तो मतलब उसका फ्री फायर का स्टार्ट का बोलिए, लेकिन उसका स्टार्ट का मतलब क्लिक। चलिए ठीक है, खेलिए। ठीक है, और देखिए सभी लोग यहाँ बाहर चले गए हैं। तो देखिए वीर का गेम अभी स्टार्ट हो गया है, वीर यहाँ पे गेम खेल रहा है, फ्री फायर ना है। हाँ चलिए सही है, खेलिए। अंकिता उधर से साफ करके अभी इधर आ गई, तो आइए हम यहाँ पे हम इनसे बात करते हैं। अब इनको हम बोलते हैं क्या कर रहे हैं। ये कब से कर रहा है? अभी हो गया तो कुछ देर उधर कर लिए। और तो पानी ज्यादा है, तो पूरा आपका कपड़ा भींग गया है। पानी तो ज्यादा है क्योंकि कपड़ा पूरा भींग गया है, नहा लेते हैं। ये देखिए पानी, कितना पानी हो रहा है अंकिता का, पूरा ठेवने से ऊपर है पानी। हाँ ठेवने से ऊपर है पानी। तो देखिए बाढ़ का पानी इतना ज्यादा हो गया कि हम लोग का नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, यहाँ पे नाव चल रहा है। ये देखिए अब बिना नाव का तो कोई काम नहीं हो सकता। देखिए कैसे पानी में नाव चल रहा है। ये देखिए नाव से लोग जा रहे हैं, लोगों को कोई काम होगा तो काम करने के लिए नाव से जाना पड़ रहा है। देखिए पानी में कितना कचरा साफ करके फेंकी है। ये देखिए सारा कचरा ही, ये सारा अंकिता का फेंका हुआ है। ये पूरा साफ सफाई सारा इसी पानी में कर दे रही हैं। उधर का तो हो गया है, हाँ उधर तो साफ दिख रहा है, और इधर ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा मोरा है कचरा, ज़्यादा नहीं है। और पानी अभी देखिए कितना तक बढ़ रहा है,
हम कुछ नहीं, एक हम कुछ नहीं, बस जो भी कपड़ा था सब जो हम लोग मेला गए थे पहन कर रखे थे, अभी धोए कहाँ थे, तो वही सब कपड़ा धोए हैं, नहाए हैं, खाना खाकर बस अभी जस्ट आपसे आपके पास आ ही रहे हैं। और आपका चुपके से थोड़ा सा वीडियो वहाँ पे बनाया, आपको पता भी नहीं चला है, अपने रूम से बनाया है, खिड़की से, आपको पता भी नहीं चला है। तो देखिए अंकिता सफाई में कितने मन लगा कर, मतलब मन लगा कर सफाई कर रही है, क्योंकि अभी छठ पूजा का भी टाइम आ रहा है, तो अभी सफाई हो जाएगा, तो छठ पूजा के समय थोड़ा मोड़ा सफाई होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ अच्छे से सारा साफ़ कर, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, पूरे साफ साफ दिख रहा है। तो देखिए हम लोग का आटा ख़त्म हो गया है, और मम्मी यहाँ पे गेहूँ को फटक रही है गेहूँ पिसवाने के लिए। तो गेहूँ पिसवाने के लिए ले जाने में तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। तो देखिए भैया से पूछते हैं, भैया कैसे लेके जाएंगे, बाइक तो जा नहीं पाएगा पानी में, तो हो सकता है तो नाव के सहारा भी लेना पड़ेगा। और वीर इधर वीर पापा के साथ बैठ के बात कर रहा है, थोड़ा सा इसके चेहरा पे मायूसी है क्योंकि अभी सो पर उठा है। तो भैया से पूछते हैं, भैया कैसे लेके जाएंगे गेहूँ, बाइक तो उधर लगाए हुए हैं, भैया गेहूँ कैसे लेके जाएगा, पानी तो चारों तरफ पूरे है, ले जाने में तो दिक्कत होगा, नाव का सहारा लेना पड़ेगा या बाइक चल जाएगा, पैदल ही चल जाएंगे, तैर के जाइएगा। पानी भी ले जाएंगे आटा। बुआ कैसे जाएगा आप बताइए तो, बुआ आप बताइए कैसे जाएगा गेहूँ, कैसे जाएगा गेहूँ आप बताइए, आप ही लेकर चल जाइए नाव पे, बाइक लेके उस पे बोरा रख देंगे। तब तो अच्छा आइडिया है आपका, बाइक भी चला जाएगा, गेहूँ भी चला जाएगा, उधर से आटा भी पिसा कर आ जाएगा। आप भी चलिए, रात या फिर रात मत हो, देर चलिए छत पे, छत पे नहीं जाइएगा, मम्मी कहाँ है, मम्मी को ढूंढ भी नहीं रहे हैं, हमको तो लग रहा है मम्मी आपको छोड़ कर मामा हर चली गई, अच्छा पापा के साथ मार्केट जा रहे हैं, तो पापा के साथ मार्केट कैसे जाइएगा, पापा तो खुद पूरा चारों तरफ पानी है, तो दिक्कत होगा जाने में पापा को, अच्छा क्या पता है, अगर हमको पता नहीं है, अच्छा आप कैसे जाइएगा, तो नाव एक नाव पर क्या क्या जाए, उसी पे खड़ा हो जाइएगा, पापा गोदी ले लेंगे क्या बेटा, मुड़ी पलाट लेके जाएंगे। तो वीर अभी पाप मम्मी से प्यार नहीं है, अभी वीर को अभी पापा से प्यार है, पापा के साथ चिपका हुआ है, मम्मी का कोई खोज नहीं है, कभी कभी तो मम्मी को ही ज्यादा खोजता है। तो चलिए हम भाभी को देखते हैं कि कहाँ है भाभी, हमको तो आशा है कि छत पे होंगी, और देखते हैं कि छत पे अकेले क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि छत पे तो कुछ करने नहीं जाती हैं, क्योंकि वो केवल छत पे घूमने के लिए ही जाती हैं, तो हमको तो देखते हैं अभी क्या कर रहे हैं, हमको चांस है कि वो घूम ही रही होंगी। क्या भाभी जी अकेले अकेले छत पे क्या कर रही हैं, यहाँ पे बैठे हैं, हमको तो लग रहा था कि आप घूम रही होंगी, क्योंकि टालने के लिए ही आती हैं छत पे आप। चलिए अकेले अकेले छत का आनंद लीजिए, मैं तो नीचे थी तो आपको ढूंढते ढूंढते आ गई छत पे। बउआ कहाँ है, नीचे है, पापा से अभी बोल रहे हैं मम्मी का कोई ये नहीं है, पापा से प्यार करेंगे। हाँ उसका रूटीन का कोई ये नहीं रहता है, कभी मम्मी से प्यार तो कभी पापा से प्यार। तो शक्ति भी आ गया हम लोगों के साथ कॉमेडी करने के लिए, ये तो आता है तो कॉमेडी ही करता है, देखिए आते आते मेरे पीछे ही पड़ गया, काहे भाग रहा है शक्ति, अरे ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, मौसी चलेंगे नाव पे मार्केट, हाँ क्यों नहीं चलेंगे, ले चलोगे तो क्यों नहीं चलेंगे, चलोगे तो पार्टी करोगे ना, पार्टी
बापरे मछली का पार्टी हुआ तब तो चलेंगे, क्योंकि घर में बैठ के चारों तरफ पानी ही पानी है तो कहीं जा नहीं रहे, बोर हो गई हूँ। मछली आपको खाएगा, मछली को पार्टी दूंगा, आपको पार्टी नहीं दूंगा। ऐसा कोई करता है क्या कि हमको पार्टी देना चाहिए तुमको, तो हम ही को पार्टी दे रहे हो मछली को। जब मछली हमको खा ही जाएगा तो हम कहाँ करेंगे जाकर। तो क्या है, तो आप ही कहें कि हाँ तो बीच पार्टी में मछली आएगा खाते जाएगा आपको। हमको भी ले चलिए, खाली मछली को चलिएगा, हमको नहीं ले चलिएगा। चलिए आप भी, आप दोनों को उधर ही डुबा के आ जाऊंगा। देखिए इतना आता है तैरने, हम तो मतलब डूबेंगे नहीं, हमको तो पूरा तैरने आता है। चलिए तो देखते हैं कि कौन कितना तैर लेता है। चलिए अभी चलिए 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 चलिए, बाजी लग जाए आप में और हम में। शक्ति नहीं, मामी में भी नहीं, मामी में भी। तो मामी तो नहीं। चलिए ठीक है, जा रहे हैं मार्केट तो कुछ लेते हैं खाने के लिए, हम लोग के लिए भी। आप लोग को नहीं ले जाऊंगा मैं, अपने अकेले जा रहा हूँ। तो मैं कहाँ जाने के लिए तैयार थी हूँ, तुम बोले तब ना जा रहे इतने के लिए बोली। तो शक्ति चला, तो शक्ति तो चला गया मार्केट जा रहा है, मुझे झूठ मुठ का बोल दिया कि चलिए मार्केट, और लेके गया भी नहीं। मौसी को तसल्ली देकर चले गए क्योंकि वो मेरे साथ कॉमेडी बहुत ज़्यादा करता है। तो शक्ति तो चला गया गेहूँ पिसवाने मामा के साथ नाव से, और हम लोग को बोला था ले जाने के लिए, लेकिन मार्केट लेके गया नहीं क्योंकि वो कॉमेडी किया था तसल्ली के लिए। तो अभी तो मार्केट जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो मार्केट हम लोग 10 मिनट में जाते थे वो अभी आधा घंटा लग जाएगा पानी के वजह से। तो देखिए कब तक आता है लोग गेहूँ पिसवा के, क्योंकि बाढ़ से तो हम लोग का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, मुश्किल तो इतना हो गया कि मतलब सब पूछिए मत, मुश्किल के साथ हम लोग को काम करना पड़ रहा है। मुश्किल में किसी का तबीयत भी खराब हो जाए तो बहुत ना, डॉक्टर आएंगे ना डॉक्टर के पास हम लोग जाएंगे, इतना स्थिति खराब चलता है बाढ़ आने पर, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी जो हो गया है। इसको लेकर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में हम लोग अभी फंसे हुए हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग इसी पे एंड कर रहे हैं, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय।